हमारे नेक्स्ट स्पीकर हैं डॉक्टर शंभुनाथ शास्त्री सर, जो जगतपुर के पीजी कॉलेज वाराणसी से हैं। इन्होंने अपनी पीएचडी की है उत्तर प्रदेश में क्रांतिकारी आंदोलन 1914-31, जो पब्लिश भी हुई है। इन्होंने 50 से अधिक इनके जो रिसर्च पेपर पब्लिश हुए हैं और 6 लोगों ने इनकी गाइडेंस में जो है पीएचडी कंप्लीट की है। जो और मैं इन्वाइट करूंगा प्रोफेसर शंभुनाथ शास्त्री जी से, इनका टॉपिक है 1942 स्वतंत्रता संग्राम का चरमोत्कर्ष। डॉक्टर शंभुनाथ शास्त्री सर। आदरणीय मंच, सभागार में बैठे विद्वतगण तथा शोधार्थी बंधु, मेरा टॉपिक है 1942 स्वतंत्रता संग्राम का चरमोत्कर्ष। 1942 की क्रांति ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध भारतीय राष्ट्रवाद के सतत संघर्ष का चरमोत्कर्ष है, जिसने भारतीय स्वतंत्रता को असंभावी बना दिया। बंधुओं, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की एक अजीब विडंबना है कि हम लड़ाई एक ऐसी सत्ता से लड़ रहे थे जिसने आतंक के बल पर भारत में अपना साम्राज्य को बरकरार रखा था, जो छल कपट, विश्वासघात, उत्पीड़न और अत्याचार के बल पर अपनी स्थिति इस देश में बनाए हुए था। लेकिन जिस संस्था के तत्वावधान में, जिस नेता के तत्वावधान में आजादी की लड़ाई हम लड़ रहे थे, वह बार बार इस बात को दोहराता है कि हम मार खाएंगे, हाथ नहीं उठाएंगे, हमारे लोगों पर गोलियां चलाई जाएं वो प्रतिकार नहीं करेंगे, माताओं बहनों के साथ उत्पीड़न हो, बलात्कार हो, हम उसका जवाब नहीं देंगे। मुझे समझ में नहीं आता यह कैसी अहिंसा थी। महात्मा गांधी ने शक्ति को विभाजित कर दिया। इन्होंने अहिंसा और हिंसा दो भागों में शक्ति को विभाजित किया। अहिंसा यानी आत्मबल, हिंसा मतलब शारीरिक बल। उनका कहना था कि हम केवल आत्मबल का प्रयोग करेंगे, अहिंसा का प्रयोग करेंगे, शारीरिक बल का प्रयोग नहीं करेंगे। भारतीय संस्कृति इस बात की छूट नहीं देती। हमारी संस्कृति जो है शक्ति में विभाजन नहीं करती, और खास करके इस देश में स्वतंत्रता संग्राम को परवान चढ़ाने का काम जिन क्रांतिकारियों ने किया है, उन्होंने कभी शक्ति का विभाजन नहीं किया। उन्होंने आत्मबल और शरीर बल में जो है पृथकता नहीं स्थापित की। उन्होंने कहा कि देश को आजाद करने के लिए हमें दोनों शक्तियों की जरूरत है, हमारे अंदर आत्मबल भी होना चाहिए और हमारे अंदर शारीरिक बल भी होना चाहिए। जब तक हमारे अंदर आत्मबल और शारीरिक बल नहीं होगा, तब तक हम जो है दुश्मन का सामना नहीं कर सकते। और शारीरिक बल के लिए आत्मबल भी उसी के पास हो सकता है जिसके पास शारीरिक बल हो, उनका यह भी कहना था। और इसीलिए जब भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव की गिरफ्तारी हो गई, फांसी की सजा हो गई, और उसके प्रतिकार में इसी दिल्ली में लॉर्ड इरविन के ट्रेन के नीचे बम विस्फोट का प्लान बनाया क्रांतिकारियों ने, खास करके यशपाल ने, भगवती चरण बोहरा ने, और उसमें वह बम विस्फोट हुआ। उसके बाद अपने समाचार पत्र में गांधी जी ने एक लेख लिखा जिसमें क्रांतिकारियों की हिंसक घटना के कारण जो है निंदा की, और उन्होंने कहा द कल्ट ऑफ बम नाम शीर्षक से जो है अपना लेख लिखा। बाद में जब क्रांतिकारियों ने उस लेख को पढ़ा तो उनके मन में बहुत पीड़ा हुई, बहुत दुख हुआ कि इस देश के स्वतंत्रता संग्राम का अगुआ, इस देश के क्रांतिकारी जो कि अपना सर्वस्व न्यौछावर करके देश की आजादी को संभव बनाना चाहते हैं, उनके संबंध में ऐसी सोच रखते हैं। और उन्होंने तत्काल लेख लिखा, उन्होंने महात्मा गांधी को पत्र लिखा और एक पैम्पलेट प्रकाशित किया द फिलॉसफी ऑफ बम, और उसमें पूरे के पूरे बम की फिलॉसफी क्या है, क्रांति क्या है, क्यों हम क्रांति चाहते हैं, क्यों हम आत्मबल, शारीरिक बल का प्रयोग करना चाहते हैं, इस तथ्य को स्थापित किया और पुरजोर रूप में इसका समर्थन किया। तो 1941-42 में जब
यह भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ होता है तो उस समय स्वयं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अंतर्गत हिंसा और अहिंसा को लेकर के एक वाकयुद्ध प्रारंभ होता है, एक चर्चा शुरू होती है, एक लंबी बहस होती है और उस बहस में खुद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी के बहुत सारे लोग गांधी जी के इस पक्ष का जो है विरोध करते हुए दिखाई पड़ते हैं। मैं उसी बात को आगे बढ़ा रहा हूं कि 1941 के अंत तक द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों की स्थिति संकटपूर्ण हो गई थी। दक्षिण पूर्व एशिया की बदलती हुई परिस्थिति से मित्र राष्ट्रों की हालत खराब थी। ब्रिटेन मलाया सिंगापुर और बर्मा से पीछे हट चुका था तथा जापान ने इन सभी स्थानों पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था। पीछे हटते हुए ब्रिटेन ने बड़ी सुरक्षा के नाम पर स्कॉच अर्थनीति अपनाई। अतः भारतीयों को आशंका हुई कि यदि जापान बंगाल की ओर बढ़ता है तो यहाँ के संसाधनों को इसी प्रकार समाप्त कर दिया जाएगा, इससे बंगाल की बची खुची अर्थव्यवस्था भी ध्वस्त हो जाएगी। इसलिए महात्मा गांधी ने भारतीयों के मन से इस भय को मिटाने के लिए और आक्रमण होने पर इसका सामना करने के लिए जनता को संदेश दिया कि वह स्वयं अपना स्वामी है तथा अपने देश की रक्षा करना ही उसका दायित्व है। इस पृष्ठभूमि में गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार के भारत छोड़ने तथा सत्ता भारतीयों को सौंप देने की मांग के साथ भावी आंदोलन की भूमिका तैयार की। युद्ध के भारतीय सीमा पर दस्तक देने के कारण राष्ट्रीय नेताओं को युद्ध संबंधी अपनी अहिंसक प्रतिरोध की नीति पर पुनर्विचार करने के लिए आवश्यकता महसूस हुई। परिवर्तित परिस्थितियों पर विचार करने हेतु दिसंबर के अंत में कांग्रेस कार्य समिति की एक बैठक वारडोली में आहूत की गई। बैठक में इस बात पर चर्चा हुई कि कांग्रेस सम्मानजनक शर्तों पर देश के रक्षा प्रयत्नों में भाग ले या नहीं। कार्य समिति के सदस्य मूलतः दो विचारधाराओं में विभक्त थे। गांधी जी अहिंसा को एक स्वीकृत मत मानते हुए इसे किसी भी परिस्थिति में छोड़ने के खिलाफ थे। इसी भावना के कारण युद्ध प्रयत्न में भारत को किसी भी स्थिति में सम्मिलित नहीं करने के पक्ष में थे। कांग्रेस अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आजाद का मत था कि कांग्रेस को अहिंसा पर कट्टरता से चलने की अपेक्षा भारत की स्वाधीनता की मांग पर विशेष बल देना चाहिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू और चक्रवर्ती राजगोपालाचारी भी कांग्रेस अध्यक्ष के मत के समर्थक थे। लंबी बहस के उपरांत कार्य समिति द्वारा प्रस्ताव का एक प्रारूप तैयार किया गया जिसमें कहा गया कि कांग्रेस आज भी अपनी युद्ध में सहयोग संबंधी उसी नीति पर दृढ़ है जिस नीति को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के बंबई अधिवेशन में 16 दिसंबर 1941 को स्वीकार किया गया था। प्रस्ताव में आगे कहा गया कि निरंकुशता साम्राज्यवाद प्रतिक्रियावाद तथा अलगाववाद को प्रोत्साहन देने वाली ब्रिटिश सरकार की पूर्व नियोजित नीति निश्चित रूप से भारतीय राष्ट्रीयता के लिए घातक है। ब्रिटिश सरकार ने न केवल कांग्रेस द्वारा सम्मानजनक समझौता के लिए सुझाए गए हर प्रस्ताव को ठुकरा दिया बल्कि उन विचारों की भी हंसी उड़ाई। प्रस्ताव में कहा गया कि यद्यपि भारत के प्रति ब्रिटिश नीति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ फिर भी समिति को उस स्थिति पर विचार करना होगा जो युद्ध की घटनाओं से भारत के पास उसके पहुंचने से पैदा हुई है। लेकिन केवल स्वतंत्र और स्वाधीन भारत ही देश की रक्षा की जिम्मेदारी लेने की स्थिति में हो सकता है और तभी विश्व युद्ध में मदद संभव है। इस प्रकार कांग्रेस के राजनीतिक चिंतन में एक नई बात परिलक्षित हुई कि यदि ब्रिटिश सरकार भारत को पूर्ण स्वाधीनता की गारंटी दे तो कांग्रेस युद्ध प्रयत्नों में सहयोग देगी। लेकिन युद्ध में सहायता देने की बात अपने अहिंसात्मक सिद्धांत के कारण गांधी जी को मान्य नहीं थी। वारडोली कांग्रेस कार्य समिति के बहस में भारत में स्वतंत्रता की गारंटी के बदले युद्ध में ब्रिटेन को हर तरह से सहयोग देने का विचार प्रस्तावित किया गया। बंबई के प्रस्ताव में जो व्याख्या गांधी जी ने दी थी, कांग्रेस उस युद्ध में या सभी युद्धों में अहिंसा के आधार पर भाग लेने से इनकार करती है, कि उक्त व्याख्या से बहुत से सदस्यों ने पृथक विचार रखा। अतः गांधी जी ने अनुभव किया कि प्रतिपक्षियों ने अहिंसा के आधार पर से अपना ध्यान हटा दिया है, अतः वैचारिक मतभेद की स्थिति में गांधी जी की इच्छा पर कांग्रेस कार्य समिति ने उन्हें कांग्रेस के नेतृत्व भार से मुक्त कर दिया। उत्तर प्रदेश की कांग्रेस भी अहिंसा पर कट्टरतापूर्वक डटे रहने की अपेक्षा स्वाधीनता की गारंटी के आधार पर युद्ध प्रयत्न में सहायता देने के पक्ष में थी। समिति के सभी सदस्यों ने एक मत से प्रस्ताव पारित कर वारडोली के प्रस्ताव की सराहना की। प्रांत के पूर्व मुख्यमंत्री पंडित गोविंद वल्लभ पंत ने वारडोली के प्रस्ताव पर विचार व्यक्त करते हुए कहा कि गुलाम भारत न तो अपनी न दूसरों की सहायता कर सकता है। हम संसार को नाजीवाद की भीषणता से बचाना चाहते हैं और विश्व में शांति स्थापित करने में सहयोग देना चाहते हैं। यह तभी संभव है जब भारत स्वतंत्र और अपनी नीति स्वयं निर्धारित करने के योग्य हो।
भारत प्रांतीय कांग्रेस की कार्य समिति ने अपने 2 जनवरी 1942 की बैठक में गांधी जी के कांग्रेस के भावी आंदोलन के नेतृत्व में अलग होने पर दुख प्रकट किया। कांग्रेस के अंदर वैचारिक द्वंद्व के बावजूद अभी कांग्रेस के तरफ से सरकार को शीघ्र सहायता देने का कोई आश्वासन नहीं दिया गया। 15 जनवरी 1942 को वर्धा में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अधिवेशन में गांधी जी ने वाडोली के प्रस्ताव को स्वीकार कर लेने की वकालत की। कांग्रेसियों को रचनात्मक कार्यों को करने का निर्देश देते हुए इस अधिवेशन में 16 जनवरी 1942 को वाडोली का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश सरकार भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था का भार भारतीयों के हाथों में देकर राजनीतिक गतिरोध दूर करने की अपेक्षा संपूर्ण प्रशासनिक तंत्र के साथ किसी भी भावी आंदोलन के दमन के लिए रणनीति बनाने में अधिक रुचि ले रही थी। वर्तमान विस्तारित परिषद को आपातकाल के संपूर्ण अधिकारों से लैस कर दिया गया था। इस प्रकार कांग्रेस के भावी आंदोलन को प्रारंभ में ही कुचल देने की योजना बना ली गई थी। योजना के अनुसार 7 अगस्त 1942 को बंबई में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक तक सरकार सावधानीपूर्वक निगरानी रखती रही। 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के बंबई अधिवेशन में अंग्रेजों के भारत छोड़ देने के संबंध में प्रस्ताव पारित किया। इस प्रस्ताव में कहा गया कि भारत में ब्रिटिश राज का तुरंत अंत होना भारत एवं मित्र राष्ट्रों के हित के लिए आवश्यक है, साथ ही स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए व्यापक रूप से एक अहिंसात्मक आंदोलन प्रारंभ किया जाए। प्रस्ताव में कहा गया कि यह आंदोलन निश्चय ही गांधी जी के नेतृत्व में होगा, अतः कमेटी उन्हें नेतृत्व ग्रहण करने के लिए राष्ट्र के पथ और राष्ट्र का पथ प्रदर्शन करने के लिए आहूत करती है। कांग्रेस अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आजाद ने कहा कि अंग्रेजों के भारत से चले जाने की मांग का अर्थ संपूर्ण शासन तंत्र को भारतीयों के हाथ में दे देने के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। गांधी जी ने अपने 1.5 घंटे के भाषण में भावी आंदोलन के संबंध में बड़े पैमाने पर जन आंदोलन एवं खुले विद्रोह के आयोजन का संदेश दिया, जिसमें कांग्रेस जनों को करो या मरो के नारे का मंत्र दिया गया था। उन्होंने इसे अपने जीवन का सबसे बड़ा युद्ध कहा और कहा कि भारतीयों को यह समझना आरंभ कर देना चाहिए कि वे स्वतंत्र हैं। उन्होंने आगे कहा कि यदि हम लोग गिरफ्तार कर लिए गए तो जन आंदोलन में हर आदमी अपना नेता स्वयं होगा। अंत में उन्होंने कहा कि हम लोग आंदोलन प्रारंभ करने के पूर्व एक बार वायसराय से मिलने का भरसक प्रयास करेंगे। लेकिन 9 अगस्त को गांधी जी के साथ ही कांग्रेस के सभी प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर ब्रिटिश सरकार ने आंदोलन को आरंभ करने के पूर्व ही इसे पूर्णतया समाप्त कर देने के उद्देश्य से पूर्व नियोजित दमनात्मक कार्रवाई प्रारंभ कर दिया। कांग्रेस के सभी क्रियाकलापों को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया तथा उसके कार्य करने पर रोक लगा दी गई। गांधी जी एवं अन्य शीर्षस्थ कांग्रेसी नेताओं की गिरफ्तारी पर ब्रिटिश सरकार की तरफ से कहा गया कि कांग्रेस ने युद्ध के बहुत ही संकटपूर्ण समय में सरकारी प्रभुत्व को चुनौती दी है। इस प्रकार की चुनौती का एक ही उत्तर होगा, उनकी गिरफ्तारी और दमन, जो देश में गंभीर स्थिति पैदा कर राष्ट्रहित एवं सुरक्षा को कठिनाई में डाल देना चाहते हैं। इस समय तक भारत सचिव एमरी द्वारा 9 अगस्त को दिए गए रेडियो भाषण का विवरण अखबारों के माध्यम से जनता में प्रचारित हो गया था। अपने भाषण में एमरी ने कांग्रेस के कार्यक्रमों के संबंध में बताया कि कांग्रेस का कार्यक्रम काल कारखानों, बाजारों, कचहरियों तथा स्कूलों में हड़ताल करना, आवागमन तथा संचार के साधनों में रुकावट डालना, टेलीग्राफ टेलीफोन के तारों को काटना, छावनियों तथा सैनिक भर्ती कार्यालयों पर धरना देना इत्यादि है। एमरी के इस भाषण का आंदोलनकारियों पर गहरा प्रभाव पड़ा। कांग्रेस द्वारा पूर्व निर्धारित किसी कार्यक्रम के अभाव में आंदोलनकारियों ने इसे ही अपने कार्यक्रम की रूपरेखा में बदल लिया। ब्रिटिश सरकार का दृष्टिकोण था कि यदि संपूर्ण देश में नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाएगा तो कांग्रेस कमजोर पड़ जाएगी तथा नेतृत्वविहीन जनता सरकार के विरुद्ध किसी प्रकार का आंदोलन नहीं कर सकेगी। लेकिन लोकप्रिय नेताओं की गिरफ्तारी एवं कठोर सरकारी दमन के प्रतिरोध में भारतीय जनता उठ खड़ी हुई। शीघ्र ही वातावरण में विरोध के स्वर मुखरित होने लगे। धीरे धीरे विरोध की लहर शहर, कस्बों और सुदूर गांवों तक फैल गई। इस प्रकार देश भर में फैले अगस्त आंदोलन की तेजी से सरकारी अनुमान को गलत सिद्ध कर दिया। कांग्रेस के प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी और अखिल भारतीय कांग्रेस तथा उससे संबंधित संगठनों के क्रियाकलापों को सरकार द्वारा प्रतिबंधित कर दिए जाने के उपरांत बचे खुचे नेताओं ने भूमिगत होकर आंदोलन को संचालित करना प्रारंभ कर दिया। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अधिकांश कार्यों को कांग्रेस समाजवादी दल के प्रमुख नेताओं ने संभाल लिया। जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, अच्युत पटवर्धन, सुचेता कृपलानी, अरुणा आसफ अली आदि ने मिलकर एक गुप्त केंद्रीय सेल की स्थापना की थी। केंद्रीय सेल का कार्य प्रचार बुलेटिन बनाकर विभिन्न प्रांतीय इकाइयों में भेजना था, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित कार्यों को करने का निर्देश दिया जाता था। पहला, पुलिस बल पर
विजय प्राप्त करने का प्रयास किया जाए, पुलिस चौकी तथा थानों को तोड़फोड़ कर बेकार कर दिया जाए। दूसरा, पुलिस शस्त्रागार पर धावा बोलकर हथियार को अधिकार में कर लिया जाए। तीसरा, रेल लाइनों को क्षतिग्रस्त किया जाए, लेकिन ध्यान रहे कि किसी मानव की जान को खतरा न पहुंचे। चौथा, आग्नेयास्त्र एवं बम भूमिगत कारखानों में बनाकर उसे दल के सक्रिय कार्यकर्ताओं में बांटा जाए। पूरे देश में कांग्रेस के संदेश को फैलाने के लिए एक भूमिगत कांग्रेस रेडियो स्टेशन की स्थापना की गई थी। रेडियो प्रसारण द्वारा जनता को कांग्रेस की प्रगति की जानकारी दी जाती थी। मुख्य उद्देश्य सरकार के प्रशासनिक तंत्र को पूर्ण रूप से तोड़ फोड़ कर पंगु बना देना था। ग्रामीण जनता को निर्देश दिया गया कि गांवों और शहरों के मध्य सभी संचार माध्यमों को काट दें तथा जनसमिति बनाकर भविष्य में किसी भी परिस्थिति के मुकाबले के लिए तैयार रहें। भूमिगत नेताओं ने छापामारों की तरह कार्रवाई के लिए आजाद दस्ता नाम के एक राष्ट्रव्यापी छापामार दल बनाने की योजना बनाई थी। प्रत्येक जिले में 250 आजादों या स्वतंत्र सैनिकों का 50-50 आजादों के 5 प्लाटूनों में संगठित करने की योजना थी। आवश्यकता अनुसार इसको और छोटे छोटे भागों में बांटा जा सकता था। गुप्त पर्चों द्वारा आजाद दस्ते को जनता के बीच विशेष कार्य करने के लिए निर्देश देने की व्यवस्था थी। उद्योग, संचार साधनों, सरकारी परिवहन साधनों को नष्ट करना, बम तथा अग्नियास्त्रों का निर्माण और प्रयोग करना एवं स्वतंत्र ग्रामीण प्रशासनिक इकाई की स्थापना करना इस दस्ते का प्रमुख लक्ष्य रखा गया था। उत्तर प्रदेश की कांग्रेस समाजवादी विचारधारा से अत्यधिक प्रभावित थे। इस समय प्रांतीय कांग्रेस कमेटी में कांग्रेस समाजवादी दल के सदस्यों का बहुमत था। 1942 में प्रांतीय कमेटी के सभापति श्री कृष्ण दत्त पालीवाल, उपसभापति आचार्य नरेंद्र देव, प्रधानमंत्री केशव देव मालवी, मंत्री जगन प्रसाद रावत, कोषाध्यक्ष श्री प्रकाश तथा बालकृष्ण शर्मा आदि सभी कांग्रेसी समाजवादी दल के संबंधित थे। इस प्रकार इन नेताओं के कारण प्रदेश में कांग्रेस के किसी भी कार्यक्रम में समाजवादी विचारधारा का प्रभाव होना स्वाभाविक था। आंदोलन काल में गिरफ्तारी से बचे समाजवादी दल के नेता भूमिगत होकर आंदोलन को सक्रिय रूप से चलाने का प्रयास करते रहे। उत्तर प्रदेश में आजाद दस्ते की तरह कोई छापामार दल संगठित न हो सका, परंतु प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री केशव देव मालवी के नेतृत्व में बहुत सारे कार्यकर्ताओं ने सहयोग से भूमिगत आंदोलन लंबे समय तक चला रखा। इलाहाबाद स्थित भूमिगत कांग्रेस कार्यालय में पर्चे छपवाकर गुप्त संपर्क के माध्यम से प्रत्येक जिला में भेजा जाता था। इसमें गांवों में सैनिक भर्ती, युद्ध सामग्री का निर्माण हर संभव तरीके से रोकने तथा सामूहिक जुर्माना देने से लोगों को रोकने की हिदायत होती थी। कारखानों और विद्यालयों में हड़ताल तथा थोड़े थोड़े अंतराल पर बड़े प्रदर्शनों का आयोजन किया जाए, इसका निर्देश होता था। जहाँ तक आंदोलन चलाने के लिए धन के कोष की आवश्यकता थी, प्रारंभ में कांग्रेसी सूत्रों द्वारा धन प्रदान किया जाता रहा। बाद में सशस्त्र आंदोलनकारियों ने राजनीतिक डाके डालकर धन इकट्ठा किया। व्यापारियों तथा आम जनता से भी इस निमित्त चंदा इकट्ठा किया गया। पुलिस के हथियार को अधिकार में लेकर उसके प्रयोग करने का निर्देश कांग्रेस के परंपरागत अहिंसात्मक सिद्धांत के विरुद्ध था, परंतु जयप्रकाश नारायण ने गांधीवादी मार्ग से भिन्न इस रास्ते का पक्ष लेते हुए कहा कि कांग्रेस ने बार बार इस बात को कहा है कि यदि भारत स्वतंत्र हो जाता है या राष्ट्रीय सरकार बन जाती है तो वह आक्रमणकारी का सशस्त्र प्रतिरोध करेगी। यदि हम जापान और जर्मनी से सशस्त्र लड़ने को तैयार हैं तो उसी तरीके से हम ब्रिटेन से लड़ने से क्यों इनकार कर रहे हैं। जब कांग्रेस की सरकार होगी तो उसकी एक सेना भी होगी। मान लीजिए कि क्रांतिकारी सेना बन जाए या यदि वर्तमान भारतीय सेना या उसका एक भाग विद्रोह कर दे तो पहले सेना से विद्रोह के लिए कहना और फिर विद्रोही सेना से शस्त्र डालकर नंगे सीने पर ब्रिटिश गोली खाने के लिए कहना क्या हमारे लिए संगत बात नहीं होगी। उत्तर प्रदेश के भूमिगत आंदोलनकारी जयप्रकाश नारायण के विचारों से पूर्णतः सहमत थे। उत्तर प्रदेश में हिंसक वातावरण तैयार करने में सरकारी दमन का महत्वपूर्ण हाथ रहा। जनता को नियंत्रित कर सकने में सक्षम सभी बड़े नेता सरकार द्वारा जेलों में बंद कर दिए गए थे। सरकारी दमन के प्रतिरोध में डटे आंदोलनकारी महसूस करते थे कि प्रत्येक वस्तु को परिवर्तित स्वरूप देने वाला यह क्षणिक और अंतिम युद्ध था। विशेष रूप से करो या मरो के नारे के साथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं तथा जनता के लिए यह एक बदला हुआ वातावरण था। अगर व्यक्ति यह जान ले कि वह मरने वाला है तो उसके अंदर एक अलग तरह की मानसिकता आ जाती है। इसी बीच जापानी रेडियो के प्रसारण कि सुभाष चंद्र बोस भारत में मुक्ति सेना का नेतृत्व करने आ रहे हैं से जनता में मानसिक अस्थिरता पैदा हुई। विदेश स्थित आजाद हिंद रेडियो स्टेशन ने अपने प्रसारण से जनता को सरकारी प्रतिरोध के लिए उत्साहित कर अधिक अशांति फैलाने में मदद दिया। प्रसारण ने
जनता को हम करेंगे या मरेंगे का नया नारा देकर प्रोत्साहित किया। सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय सेना उत्तर पूर्वी सीमा पर अपना इंतजार कर रही है। ऐसे प्रसारण ने लोगों को मनोवैज्ञानिक ढंग से उत्साहित करने में सहायता प्रदान की, लेकिन भारतीय राष्ट्रीय सेना तथा जापानी सेना के बर्मा सीमा पर पराजय के साथ ही यह प्रसारण ठंडा पड़ने लगा और इसके साथ ही भूमिगत आंदोलनकारियों का उत्साह भी ठंडा होने लगा। इस प्रकार अगस्त प्रस्ताव की घोषणा के उपरांत कांग्रेस के शीर्षस्थ नेताओं की गिरफ्तारी और ब्रिटिश सरकार की दमनात्मक क्रूरता ने पूरे माहौल ही बदल दिया। पूरे देश में एक स्वतः स्फूर्त क्रांति प्रारंभ हो गई जिसने ब्रिटिश साम्राज्यवाद को खुली चुनौती दी। गवर्नर जनरल लिनलिथगो ने स्वयं स्वीकार किया है कि 1942 की क्रांति 1857 की क्रांति से ज़्यादा व्यापक और भीषण थी। इसके उपरांत परिस्थितियां अंग्रेजों के प्रतिकूल हो गईं और यहीं से उनके भारत छोड़ने की उल्टी गिनती शुरू हो गई। धन्यवाद।